नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन अबाउट SAP HD मॉड्यूल एंड टी कोड्स। दोस्तों, ये वीडियो मेरे से कमेंट्स में पूछी गई थी कि आप लोगों को जानना था कि यदि हम SAP HD मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं या हम फर्स्ट टाइम काम करना चाह रहे हैं तो हमें इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या हमें किन किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए SAP HD मॉड्यूल में। तो आइए दोस्तों, आज हम यही सीखेंगे कि SAP HD मॉड्यूल होता क्या है और यदि हम कहीं सपोज इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ SAP HD मॉड्यूल, होता क्या है। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन। SAP सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन यूज दिस डाटा टू मैनेज ऑल ऑफ द सेल्स ऑर्डरिंग शिपिंग बिलिंग एंड इन्वॉइसिंग ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज। SAP सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट मॉड्यूल ऑफ SAP ERP कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस रिक्वायर्ड इन सेलिंग शिपिंग बिलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। द मॉड्यूल इज टाइटली इंटीग्रेटेड विद SAP MM एंड SAP PP। दोस्तों, ये पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, जो SAP मॉड्यूल होता है, सबसे पहले क्या होता है कि हम SAP मॉड्यूल में ऑर्डर लेते हैं। ये आपके सामने ऑर्डर है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा। SAP सबसे पहले हम ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम, जैसे सपोज हमने ऑर्डर लिया, उसके बाद उसको शिपिंग करते हैं। जैसे मैंने एक से ऑर्डर लिया, मैं अब अपने ही स्टाफ वाले बंदे से कहूँगा कि भैया ये गोडाउन से निकाल के इसकी डिलीवरी कराओ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसकी बिलिंग की प्रोसेस तैयार करूँगा, उसके बाद मैं इन्वॉइस बनाऊँगा और इन्वॉइस बनाने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज उसे प्रोवाइड करा देंगे हम, जो भी हमारा कस्टमर होगा। नेक्स्ट भी हमसे यही कह रहा है कि सेलिंग शिपिंग एंड बिलिंग प्रोडक्ट, और ये MM और PP मॉड्यूल से रिलेटेड है। क्यों है रिलेटेड, क्योंकि जब भी हम सपोज इन्वॉइसिंग बनाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्ट किससे आता है, PP मॉड्यूल। जब हम PP मॉड्यूल में प्रोडक्शन करते हैं तभी हम इन्वॉइस बना सकते हैं, और PP मॉड्यूल में प्रोडक्शन करने के लिए हमें MM मॉड्यूल से रिजर्वेशन के थ्रू प्रोडक्ट लेना पड़ता है। तो ये प्रोसेस होती है, पहले MM में रिजर्वेशन लिया, PP में प्रोडक्शन बनाया और SD मॉड्यूल में हमने बिल बनाया है। तो दोस्तों, ये होता है व्हाट इज SAP HD मॉड्यूल। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है व्हाट इज SAP सेल्स ऑर्डर। अ सेल्स ऑर्डर इज अ रिक्वेस्ट मेड बाय अ कस्टमर टू द कंपनी फॉर अ डिलीवरिंग ऑफ सम डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। दोस्तों, सेल्स ऑर्डर क्या होता है। दोस्तों, सेल्स ऑर्डर जो होता है, एक रिक्वेस्ट होती है। सपोज जैसे कि मैंने कस्टमर है, मिस्टर ए कस्टमर है। अब मिस्टर ए कस्टमर क्या कर रहा है, मुझे एक रिक्वेस्ट भेज रहा है कि सर मुझे 10 पेन चाहिए। तो उसने 10 पेन का मुझे ऑर्डर दिया। तो ऑर्डर भी क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है, एक फिक्स टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं कि उसने मुझे आज ऑर्डर दे दिया और उसे मैं 1 महीने बाद डिलीवर कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऑर्डर टाइम पर डिलीवर करना चाहिए। तो ये ऑर्डर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑर्डर के बाद आता है आउटबाउंड डिलीवरी। दोस्तों, आउटबाउंड डिलीवरी क्या कहता है हमसे, आउटबाउंड डिलीवरी इज डन विद द शिपिंग पॉइंट डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर टू चेक द मटेरियल एंड ऑर्डर टू इंश्योर इफ द आउटबाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स इज पॉसिबल। दोस्तों, आउटबाउंड डिलीवरी क्या होता है कि जैसे सपोज उसने मुझे ऑर्डर दिया था 10 पेन का। अब 10 पेन मैंने क्या किए हैं कि गोडाउन से 10 पेन निकाल लिए। 10 पेन निकालने के बाद मैंने उसको लोड करा दिए, कस्टमर को प्रोवाइड करा दिए। कस्टमर को प्रोवाइड करने से पहले, गोडाउन से निकालने के बाद जो मैं उसे दे रहा हूँ उसकी व्हीकल में, वो होता है आउटबाउंड डिलीवरी। हमने हमारे पास से माल को डिलीवर्ड कर दिया है, उस बंदे तक पहुँचा दिया है, ये होता है आउटबाउंड डिलीवरी। जैसे कि मैं आपको पेन का एग्जांपल बता रहा था, पेन की शॉप है, उसने मुझे 10 ऑर्डर दिए, ऑर्डर मैंने अपने सुपरवाइज़र को प्रोवाइड करा दिए, सुपरवाइज़र ने वहाँ से पेन लेके आ गया और हम कस्टमर को दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, आउटबाउंड डिलीवरी। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है SAP में, PGI की। अब दोस्तों, आप कहेंगे PGI क्या होता है, जब आउटबाउंड डिलीवरी हमने बना दी है। PGI क्या होता है दोस्तों, द पोस्ट गुड्स इशू इज द लास्ट स्टेप इज डिलीवरी प्रोसेसिंग एंड इन दिस गुड्स ओनरशिप इज मूव टू द कस्टमर एंड स्टॉक इज अपडेटेड एज पर डिलीवरी। दोस्तों, PGI का मतलब होता है कि जब हमने स्टॉक को हमारी गोडाउन से निकाला, गोडाउन से निकालने के बाद हम कस्टमर को दे रहे हैं, तो वो हमारा स्टॉक से माइनस हो जाएगा। तो पोस्ट गुड्स इशू क्या होता है, हमारे स्टॉक से माइनस होना। सपोज जैसे मेरे पास 100 पेन थे, मैंने 10 दे दिए, तो कितने बचे, 90।
तो वो ये 10 माइनस हो जाएंगे, तो हम उसे कहते हैं पीजीआई पोस्ट कोड्स इशू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ एसएपी, एसएपी इनवॉइस। ये हमसे हमेशा पूछते हैं कि इनवॉइस, एसएपी इनवॉइस होता क्या। द अमाउंट टू बी पेड अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ अ मटेरियल इज प्रोवाइडेड बाय द वेंडर इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट इज नोन एज द इनवॉइस। अब जब भी मैं अपने कस्टमर को कोई इनवॉइस दे रहा हूँ पेमेंट के अगेंस्ट में, आउट पेमेंट मीन्स जो मुझे उससे पेमेंट लेनी है कि भैया हमने तुम्हें 10 पेन दिए हैं, अब 10 पेन का अमाउंट कितना बनता है, 100 रुपये। तो 100 रुपये का जब मैं उसे इन्वॉइस बना के दे रहा हूँ तो वो हमारा होता है एसएपी इन्वॉइस, जिसमें बेसिक प्राइस, टैक्स, डिस्काउंट, फ्रेट और अदर एक्स्ट्रा चीज़ जो भी हम इन्वॉइस में चार्ज कर रहे हैं वो हमेशा सभी चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। तो ये हमने समझा व्हाट इज़ एसएपी इन्वॉइस। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एसएपी एचडी मॉड्यूल में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या होते हैं जो हमसे टी कोड पूछे जाते हैं। हमसे पूछते हैं कि भैया ऑर्डर का टी कोड्स क्या होता है, तो हमें बताना है VU01। अब कोई कहता है उस ऑर्डर बना दिया, यदि मैं चाहता हूँ कि उसको एडिट करूँ, उसमें कुछ चेंजेस करूँ, तो उसका टी कोड क्या होगा, VA02। आप कहते हैं हमने ऑर्डर तो बना दिया, अब मुझे सुपरवाइज़र को देना है कि भैया ये हमें हमारे ऑर्डर है, ये आप जाके वहाँ से गोडाउन से लेकर आओ, तो उसके लिए क्या कहते हैं, आउटबाउंड डिलीवरी। उसका टी कोड क्या होता है, VL01N। उसके बाद PGI, हमने हमारी गोडाउन से माल निकाल दिया, स्टॉक को हमें अब माइनस करना है, तो हम यूज़ करेंगे VL02N। अब हमने स्टॉक से ही माइनस कर दिया, हमें इन्वॉइस बनाना है, क्रिएट इन्वॉइस, तो टी कोड क्या यूज़ करेंगे, VF01। और दोस्तों VF02 चेंजेस के लिए होता है, और VF03 होता है हमारे डिस्प्ले इन्वॉइस के लिए देखने के लिए और प्रिंट आउट के लिए, यदि हमें प्रिंट निकालना है तो। और दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट स्टॉक। करंट स्टॉक मीन्स हमसे हमेशा हर कंपनी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आप स्टॉक शीट जनरेट करते हो तो आपका टी कोड क्या होगा। टी कोड होगा हमारा MB52, जिससे हम हमारी स्टॉक शीट रन कर सकते हैं, सुबह की ओपनिंग निकाल सकते हैं, शाम की क्लोजिंग निकाल सकते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि आज हमने कितना कितना स्टॉक सेल किया है, सुबह क्या था, अभी क्या है, इससे हमारा पूरा स्टेटस पता चल जाता है काम का। ये हमारे डेली वर्किंग में यूज़ आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये हमने टी कोड्स देख लिए जो हमसे मैक्सिमम एसडी मॉड्यूल में पूछे जाते हैं, ये बेसिक टी कोड हैं जो आप हमेशा इन्हीं टी कोड पर काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एसएपी एसडी मॉड्यूल की प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस होती है सेल्स ऑर्डर, उसके बाद हमने जैसे ऑर्डर ले लिया, उसके बाद हम क्या बनाते हैं, डिलीवरी। डिलीवरी बनाने के बाद हम क्या करते हैं, पीजीआई, मतलब स्टॉक से माइनस कर देते हैं। पीजीआई करने के बाद हम क्या करते हैं, इनवॉइस बनाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इनवॉइस बनाने के बाद प्रिंट निकालते हैं, और प्रिंट हम कस्टमर को दे देते हैं। अब कस्टमर इस इनवॉइस के अगेंस्ट में क्या करता है, हम लोगों को पेमेंट कर देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या समझा कि हमारा एसएपी से रिलेटेड यदि हमें कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सपोज़ कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है कि भैया व्हाट इज़ एसएपी क्या है, तो ये जो मैंने आपको बताया ये आप बता सकते हैं। कोई पूछता है कि उसके टी कोड्स क्या हैं, तो ये जैसे कि मैंने आपको 1x1 उसके टी कोड्स बताए थे एसडी मॉड्यूल के, ये बेसिक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखे हैं कि एसडी मॉड्यूल की इन्फॉर्मेशन क्या होती है, और हमसे बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या पूछी जाती है यदि हम कहीं पर काम कर रहे हैं या कुछ सीखना चाह रहे हैं तो। दोस्तों इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसी तरह यदि आपको कोई वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। और इससे रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट है या कुछ है तो आप मुझे ईमेल आईडी पे भी अपना शेयर कर सकते हैं।